नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। शादी समारोह में अवैध पिस्टल लहराते हुए खुलेआम दो युवकों को डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को नहीं रुक रहा है। आए दिन बारात में असलाधारी जुआ अवैध असलाह से हर्ष फायरिंग कर व तमंचा लहराते हुए डांस कर रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के जौनपुर का है, जहां पर दो दिन पूर्व एक शादी समारोह में अवैध पिस्टल लहराते हुए खुलेआम दो युवक डांस कर रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना शुरू हो गया। पुलिस ने इसे किसी अन्य जिले का वीडियो होने की बात कहकर टाल दिया, लेकिन जब यह फुटेज पुलिस कप्तान तक पहुंचा तो उन्होंने वीडियो की जांच करके आरोपियों गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जब पुलिस ने गंभीरता से वायरल वीडियो की जाँच पड़ताल की तो यह वीडियो जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के पिकिछा गांव का निकला। इस गांव में दो दिन पूर्व आई बारात में असलाह लहराते हुए डांस करने वाले एक युवक जफराबाद थाना क्षेत्र के चकताली गांव के निवासी अमित कुमार, दूसरा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के चकप्यार अली मोहल्ले का है, निवासी सतीश उर्फ अजय सोनकर निकला। युवक की पहचान होते ही खेतासारा थाने के पुलिस और SOG टीम ने अमित कुमार को अवैध पिस्टल और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वीडियो में दिख रहे दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। आइए सुनाते हैं कि अंकित कुमार COCT सोहगंज जौनपुर ने क्या कुछ कहा। दो दिन पूर्व थाना खुटहन के पिलकिछा क्षेत्र के एक विवाह समारोह में दो युवकों का अवैध शस्त्र के साथ नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकरण में SOG और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। वायरल वीडियो में एक युवक की पहचान अमित कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी चकताली थाना जफराबाद के रूप में हुई, जिसको आज SOG सर्विलांस टीम एवं थाना खेतासराय की टीम के द्वारा थाना खेतासराय क्षेत्र से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वायरल वीडियो में दूसरे युवक की भी पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।